नमस्कार, श्रीकांत त्यागी प्रकरण में हम आपको एक बिग न्यूज दे रहे हैं। 19 सितंबर को त्यागी समाज के लोग लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलेंगे। त्यागी समाज के भारी विरोध के चलते मुलाकात कैंसिल कर दी गई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और त्यागी समाज के गणमान्य नरेंद्र त्यागी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल सीएम योगी से मिलने का समय लेने में नरेंद्र त्यागी की अहम भूमिका थी, लेकिन अब उन्होंने ही फैसला लिया है कि लखनऊ नहीं जाएंगे। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में अनदेखी के चलते त्यागी समाज में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, जबकि त्यागी समाज भाजपा का अंधभक्ति वाला वोटर रहा है। पूर्व में सीएम योगी मेरठ आए थे। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी न्याय के लिए चीखती और चिल्लाती रही थी, लेकिन सीएम उनसे नहीं मिले थे। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे नरेंद्र त्यागी ने प्रयास कर 19 सितंबर को सीएम योगी से मिलने का वक्त तय करा लिया था। योगी सरकार के एक कद्दावर मिनिस्टर के माध्यम से वक्त तय हुआ था। पूरा प्रतिनिधि मंडल तैयार हुआ। लखनऊ में ठहरने की सभी व्यवस्था भी कर ली गई, लेकिन समाज में इसे लेकर विरोध बेहद बढ़ गया। समाज के लोगों का कहना है कि सीएम से इस तरह मिलना ठीक नहीं है। भाजपा सरकार ने समाज को पूरी तरह दरकिनार किया हुआ है। किसी तरह सीएम से मिलने का समय लेना समाज की कोई उपलब्धि नहीं बल्कि अपमान ही है। सरकार हमसे बात करेगी, हमें बस एकजुट होकर आंदोलन को तेज करना है। पूर्व मंत्री नरेंद्र त्यागी का कहना है कि समाज में इस मुलाकात को लेकर भारी विरोध है। इसी के चलते सीएम योगी से मिलने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। वह पूरी तरह से समाज के साथ है। वहीं कुछ लोगों को प्रतिनिधि मंडल में शामिल कई नामों को लेकर भी घोराबत थी, क्योंकि उन पर समाज को बेचने, सत्ता की दलाली करने, समाज को तोड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं। प्रतिनिधि मंडल की पूरी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक नाम हमने सूची भेजने वाले के अनुरोध पर ब्लर किया है।